ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? हेलो यस सर। मलाइका ताहिर यस सर। अजी, आपकी फ्रेंड्स आपको मिस कर रही हैं। अच्छा, सर मैं आ जाऊंगी अगली क्लास में इंशाल्लाह। चलो अल्लाह करे आप आ जाएं, खुद ही आइएगा। ये ना हो कि खबर ही आ जाए कि फूलों पे पहुंचना है। नहीं सर, मैंने वैक्सीनेशन की डोज पहली भी नहीं लगवाई थी, आज लगवाई है माशाल्लाह, मुबारक हो, ट्रीट बनती है आपकी तरफ तो। बस सर, अभी लगवा के आई हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी, मियां अली नूर, अली जी सर, साहब जी सर, नहीं आना आ गया सर। था आपके लिए, कैंपस खुलवाया स्पेशल की यार, क्या आप लड़के के जरा घर से बाहर निकले, तुम लोग घर अच्छा बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हो। सर, निकलना सर है कुछ सर। टीचर्स कह रहे हैं कि आपने, अगर आपकी दोनों डोज कंप्लीट हैं तब भी आप कैंपस में आके मतलब कैंपस में फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। यार मेरी क्लास में तुम लोग जैसे मर्जी आ जाओ, मुझे कोई मुश्किल नहीं। ओके सर। और कुछ इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को क्या कहूँ। जब कैंपस खुल गया तो अगर कोई पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता तो ना सही। क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा, कह रहे गेट पे किसी ने नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, ऐसे ही। हालांकि वो माई इंटर नहीं, मैंने तो एक दो दिन लगवाई। अच्छा जी, और कौन है? अमन लियाकत, यस ताकि जैसे ही यूनिवर्सिटी में घूमने फिरने के लिए आ जाता है, क्लास के लिए नहीं नहीं सर, काम के लिए आना होता, वैसे कौन आता है इतनी गर्मी आता में। है। हाँ तो आज क्लास काम नहीं होता, मुझे जरूरत था ना सर सबसे जरूरी काम यही है, क्लास ही है। तेरे काके आया नहीं। सर आएंगे, यही था सर, सारे टीचर्स यही कह रहे थे, वैक्सीनेशन के बाद आओ। मैं फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई अभी तो। हेलो, यहाँ एक्सपो सेंटर तो रश भी नहीं होता, और वहां पे जाने में ईएमटी के स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही वॉक इन है। कल सर मैंने गया हूँ, कल क्यों कल कोई स्टूडेंट गए थे तो उनको उन्होंने वापस भेज दिया था। पता वापस क्यों भेज? नहीं, ग्रुप में बता रहे थे कि उनके पास कोड नहीं था ना, कोड आ ही नहीं रहा। 1116 पे मैसेज करने से। आराम करना, मैंने उनको ईएमटी का कार्ड नहीं दिखाया था, मैंने उनको सीधा यानी कि नॉर्मल पर्सन की तरह कहा, मैंने कहा मैंने फर्स्ट डोज करवानी है। उन्होंने आईडी कार्ड पकड़ा, एंट्री किया, उन्होंने कहा जाओ सामने चले जाओ, सामने चला गया वैक्सीन लगवा दो बाहर। मैं तो वहां रेस्ट एरिया में जाके बैठा भी नहीं, मैं वहां पे ज्यादा जान तो होंगे, हर कोई आके बैठता है, 5 मिनट पता नहीं की क्या बात आवाज है कर। सर। जी नादिर सर, आपने आना नहीं था क्लास में? नादिर नुदरत, बोलते हैं तब तक सारा अनवर, जी सर। अजी आपकी फर्स्ट डोज होगी? नो सर, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल ओके, वाह वाह वाह, सर। यहाँ पर अभी 20 से 25 वालों को अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही सर, आई डोंट नो। ठीक। जैनब अंसार, जैनब
जो जो नहीं ना बोला मैंने एब्सेंट लगा देनी हम पहले बता जी अमन बेटे अलैकुम सर एक्सक्यूज मी सर बाजी बोलो सर वो आपने मेरा बताया नहीं मुझे ऐसे पिवान का फोन रहा हूँ आपकी लॉगबुक मुझे मिले तो मैं कुछ करूँगा सर कब तक मिलेगी फिर आगे टाइम काफी डिले हो जाएगा देखता हूँ मैं आज के लिए ट्राई करता हूँ कि मिल जाए जी ओके सर प्लीज देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास के रूम में जाके बता देना 50% अटेंडेंस यहाँ पे जो मर्जी आए 50 100 नहीं आना आ जाओ कोई मसला नहीं ठीक है लेकिन मिनिमम 50% ऑन कैंपस और बाकी जिन्होंने ऑनलाइन ना वो ऑनलाइन ठीक है और सवाई आने के बाद वो एंट्री क्या बाबा जी बच्ची एक मिनट चल के जाए
अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होती है? आपके क्या नाम है, जो हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं ना थ्रू कैथेटराइजेशन, ठीक है, कैथेटर डाल के कंट्रास्ट इंजेक्ट करके हम क्या नाम है देखते हैं कि किस जगह पे क्या नॉर्मल है। तो उसी तरह हम सेम कैथेटर यूज करके थेरापेटिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बलून कैथेटर, ठीक है। तो कहते हैं द वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ द कंबाइनिंग फॉर्म्स ऑफ द ग्रीक वर्ड्स एंजियोन मींस वेसल और कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड प्लाज्मा मींस अ फॉर्म और वॉल, ठीक है। एंजियोन का मतलब क्या है? वेसल, और जो प्लाज्मा वर्ड है यानी प्लास्टी इससे निकला है, उसका मतलब है कि फॉर्म या मोल्ड, ठीक है। यानी कि उसको मोल्ड करना उस तरह किसी शेप के अंदर या उसको किसी एक स्पेसिफाइड फॉर्म में लेके आना, यानी कि जैसे हमारी वेसल की नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल ह्यूमन होती है। इसके बाद वो कहता है एंजियोप्लास्टी इज आल्सो नोन एज बलून एंजियोप्लास्टी एंड पर्क्यूटेनियस ट्रांसलोमेरल एंजियोप्लास्टी, ठीक है। सिंपल एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं, और इसके दूसरा नाम क्या है, हम इसको बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कैथेटर होता है उसके ऊपर बलून होता है, और बलून को इन्फ्लेट करके आपको और अगर आप पूरा नाम बोलना चाहें तो पर्क्यूटेनियस ट्रांसलोमेरल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इट इज मिनिमली इन्वेसिव, ठीक है, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इन्वेसिव इसलिए कह रहे हैं कि हमें 8 डिग्री पे सस लेनी होती है। एंडोवास्कुलर प्रोसीजर, ऑब्वियसली बात है कि आपने वेसल के अंदर जाना तो एंडोवास्कुलर ही होगा, ठीक है। एंडो मींस इनसाइड, वास्कुलर मींस आपकी ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है। टू वाइडन द नैरोड और ऑब्स्क्योर्ड आर्टरीज ऑफ वेन्स टिपिकली टू ट्रीट आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? सराउंडिंग मस्कुलर वॉल अलाउइंग एन इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो। A stent may be inserted at the time of ballooning to ensure the vessel remains open and the balloon is then deflated and withdrawn. Angioplasty is come to include all manner of vascular interventions that can be performed percutaneously. अब देखो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो कहता है जी एक तो ये हो गया ना कि आपने यहाँ पे कैथेटर लेके, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। प्रॉपर आवाज आ रही है? यस। अथर जी सर, आ रही है आवाज? वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने सिंपल ये ब्लूमिंग कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ से आपका कैथेटर गया, इसके ऊपर बलून है, आपने उसको बलून को इन्फ्लेट किया, खुलाया, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपकी जो नैरोड आर्टरी है वो वाइडन हो गई, ठीक है, वो थोड़ी सी वहां से खोल दिया उसको आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप बलून को 75 to 100 टाइम्स बट अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वेसल की नेचर किस तरह की लग रही है, क्या वो दोबारा कोलैप्स कर देगी। अगर तो इस तरह का कोई आगे देखते हैं स्टेंट कैसा होता है, ठीक है। ये भी इन्होंने आपको एक ब्लून एंजियोप्लास्टी की दिखाई दी, ठीक है, कि सारा प्लाज्मा कटा हुआ साइड्स पे ब्लून इन्फ्लेट किया, आपने उसको आर्टरी को वाइड ओपन कर दिया, ठीक है। ये भी एक एनिमेटेड इमेज है, ये आया यहाँ से ओपन किया, इस तरह हो गया आपकी वैसे, ठीक है। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ एंजियोप्लास्टी, आप एंजियोप्लास्टी कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कोरोनरी आर्टरीज में, पेरिफेरल, रीनल, कैरोटिड्स और वेनस, ठीक है, इन सारी जगह पे आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? वो कह रहे हैं एंजियोप्लास्टी रिक्वायर्स एन एक्सेस वेसल, टिपिकली द फेमोरल रेडियल और फेमोरल वेन, टू परमिट एक्सेस टू द वास्कुलर सिस्टम फॉर द वायर्स एंड कैथेटर्स, ठीक है। इफ नो वेसल ऑफ सफिशिएंट साइज एंड क्वालिटी इज अवेलेबल, एंजियोप्लास्टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं ठीक आ रहे, ठीक है, या फिर आपकी जो आप कैथेटर पास कर सकते हो, तो उन पेशेंट्स में फिर
ऑक्लूडिंग हो यानी कि आपकी जो वेसल है वो स्टीनोज हुई हो या वेसल जा रही हुई हो पिंच हुई हो ऐसी सूरत हाल में हीमाटोमा बनाओ कहीं पे उसके बाद बाईपास ओरिजिन में ऑल में एक्सेस टू द वास्कुलर सिस्टम टू डिफिकल्ट ठीक है अगर कोई बाईपास ग्राफ कहीं पर लगाया गया यानी कि एक वेसल है यहां पे मतलब मैं कहता हूं कि ठीक कराओ सर ये लास्ट पॉइंट समझा दें आपकी आवाज दूर से आ रही थी भाजी वो कह रहे हैं कि जब आप बाईपास ग्राफ्ट लगाते हैं ना फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या नाम है अपनी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ग्राफ्ट लगाया ठीक है तो कोरोनरी आर्टरी ने अगर हार्ट के फ्रंट साइड से होके आना था और अब वो हार्ट की बैक साइड से होके देन फ्रंट पे आकर स्प्लाई कर रही है ठीक है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसकी इमेजिंग करना क्यों या फिर एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म करना क्योंकि आपको कैथेटर को बहुत ज्यादा मैनूवर करना पड़ेगा ठीक है इसलिए जहां पे वो कह रहे हैं कि कोई बाईपास ग्राफ्ट लगाया गया हो ना उन पेशेंट्स के अंदर भी हम एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स को नहीं परफॉर्म करते अब समझ आ गई है यस सर आ गई टेक्निक को बता रहा है क्या है कहता है एक्सेस टू द वास्कुलर सिस्टम टिपिकली गेन पर्पिटेनियसली टू द स्किन विदाउट अ लार्ज सर्जिकल एक्सीजन एक स्मॉल इंसीजन देते हैं मैंने बताया था ठीक है एंड रिड्यूस द शीथ इज इंसर्टेड टू द ब्लड वेसल बाय सर्जिकल टेक्निक फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस एंड रेडियो ओपेक कंट्रास्ट डाई आर यूज्ड टू गाइड द एंगल्ड वायर्स एंड कैथेटर्स टू द रीजन ऑफ द बॉडी टू बी ट्रीटेड टू ट्रीट अ नैरोइंग इन द ब्लड वेसल अ वायर इज पास्ड थ्रू द स्टेनोसिस इन द वेसल एंड अ बलून और अ कैथेटर इज पास्ड ओवर द वायर एंड इनटू द डिजायर्ड पोजीशन ठीक है सो डिजर टेक्निक यूज करनी है सिंपली सारी पड़ी हुई है ठीक है जैसे हम नॉर्मल कैथेटर लेके जाते हैं ना उसके ऊपर शीट के ऊपर वायर के अंदर ठीक है इसी तरह वायर के ऊपर आपने ये वाला कैथेटर लेके जाना है देन यू विल रिमूव द वायर ठीक है और पीछे से आपने कंट्रास्ट वाला इंजेक्टर जो है इसका कनेक्ट कर देना ठीक है वो बलून पे इन्फ्लेट करेगा फिर डिफ्लेट करेगा ठीक हो गया प्रेशर सिस्टम पीछे लगा होता है अभी आई विल ट्राई कि अगर हॉस्पिटल में मैं जाकर बात करूंगा अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो आप लोगों को फिर ना मैं वहां से कैथेटर दिखाऊंगा कैथेटर होती कैसे ठीक हो गया सो कहता है द पोजीशनिंग इज वेरीफाइड बाय द फ्लोरोस्कोपिंग एंड द बलून इज इन्फ्लेटेड अंडर वाटर मिक्स विद कंट्रास्ट डाई ठीक है पीछे से कंट्रास्ट आपने देना है ठीक है उसको वाटर से मिक्स करके आप बलून को वो पीछे से कंट्रास्ट इंजेक्ट करके बलून को इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करते हैं 75 to 500 टाइम्स ठीक है और प्रेशर उसका क्या होता है 6 to 28 atmospheres, ठीक है 6 to 28 atmospheres के प्रेशर तक उसको इन्फ्लेट करते हो ठीक है आपके बलून को और कितनी दफा करते हो 75 to 500 टाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द वेसल नेचर के वेसल किस तरह की है ठीक है अगर वो बार बार कोलैप्स कर रही हो तो ऑब्वियसली बात है आपको उसको ज्यादा टाइम इन्फ्लेट करना पड़ेगा बलून को ताकि वो स्टे करे As stent may or may not be placed at the conclusion of the procedure, the balloon bias and cancellers are removed and the vessel puncture site is treated either with drug pressure or a vascular fluid device. Risk and complications. Relative to the surgery, angioplasty is the lower risk option for the treatment of the conditions for which it is used, but there are unique and potentially dangerous risks and complications associated with angioplasty. एक risk इसका क्या होता है कि embolization हो सकती है, ठीक है? कोई एयर बबल वगैरह जा सकता है एक और एम्बोलाई आपकी क्या नाम ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर जो आपके जो प्लाक है उसके पीसेस कट के डेब्रिस की सूरत में डेब्रिस मींस हम कहते हैं कि जो वैसे अगर नॉर्मल टर्म में बोले तो गंद बोलते हैं जो आपके स्लग होता है आपकी बॉडी का यानी कि प्लाक ही है ना ठीक है तो उसको हम डेब्रिस बोलते हैं कि वो आपकी बॉडी का वेस्ट है ठीक है तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो भी क्या एज एन एम्बोलस एक्ट करेगा आर्टेरियल रप्चर फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून कैथेटर अगर आपकी आर्टरी या वेन जो है वो स्टेबल नहीं है कि वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सके तो आप बलून इन्फ्लेट करते हो तो उसके रप्चर होने का भी बहुत ज्यादा खतरा है ठीक हो गया
or the use of an inappropriately large stiff balloon or the pressure of a calcified target vessel. ठीक है, अगर आपकी वैसे बहुत ज्यादा स्टिफ है, ठीक है, या आपने बलून बहुत ज्यादा स्टिफ यूज किया, वो बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज कर रहा है वैसे को, तो वो रप्चर कर सकती है। उसके बाद वो कहता है हीमाटोमा एलोपलाइज फ्लेक्शन, हीमाटोमा के सारे नीचे लिखी है हीमाटोमा क्या होता है, या फिर सुगरनिज्म फॉर्मेशन एट द एक्सेस साइट, आपकी जो पंचर साइट है वहां पे कोई हीमाटोमा या सुगरनिज्म बना हो। रेडिएशन इंजरीज वो भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, रेडिएशन इंजरीज आ जाएगी पेशेंट को, उसको इन द फ्यूचर इंजरीज हो सकती है। ठीक है, रेडिएशन इंजरीज के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है? कैटारैक्ट्स, ठीक है, स्टोकेस्टिक डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स पढ़े? अच्छा, तो ना रेडिएशन में दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं स्टोकेस्टिक लेग इफेक्ट्स। स्टोकेस्टिक मींस कुछ इफेक्ट्स होते हैं डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, वो अगले आ जाए वो कह रहे कि जो एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है ना, चाहे वो स्टेंटिंग भी की गई है, तो वो एक ड्यूरेबल और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। आपको स्टेंट्स की भी एक फेलियर होती है, आपको सर स्टेंट्स की ठीक है, तो वो भी वापस कोलैप्स होना शुरू होता है, या फिर उनका जो स्क्रू बिगड़ तो बन रहा है, उस मटीरियल की लाइफ ऑफ देयर 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, ठीक है, तो वो उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, आपको इसको बार दोबारा करना पड़ता है। रिकवरी में वो क्या बता रहे हैं? तो बेटे मुझे बोल के बताओ ना कि आवाज क्लियर नहीं है, मैसेज ना करो ना, मुझे बोल के बताओ कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, वो कहते हैं रिकवरी, रिकवरी के अंदर वो कहते हैं आफ्टर एन एंजियोप्लास्टी मोस्ट पेशेंट्स आर मॉनिटर्ड ओवर द नाइट इन द हॉस्पिटल, बट इफ देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आर सेंट होम द फॉलोइंग डे। द कैथेटर साइज इज चेक फॉर द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग एंड द हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर इज मॉनिटर्ड। ठीक है, वही जो नॉर्मल किसी भी पेशेंट के ऑपरेट के बाद उसके जितनी भी चीजें करते हैं, उसका हार्ट रेट देखो, उसकी जहाँ पे ऑपरेट साइट है उसको चेक करो, जितनी भी यानी कि चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मली जो चेक होती हैं वो भी चीजें आपकी एंजियोग्राफी के प्रोसीजर के बाद भी चेक की जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई मसला हो तो मुझे पूछ लेना। आज का लेक्चर इतना ही था एंजियोप्लास्टी के ऊपर, इसके अंदर कोई मसला। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, सर जो आपने रेडिएशन वाला बताया था, रेडिएशन इफेक्ट्स को दोबारा रिपीट कर दें। एक मिनट, किस बाजी ने पूछा है रेडिएशन वाला? किसने पूछा सर? मैंने। अच्छा, सारा ने। एक और बच्चा भी सवाल कर रहा था, वो भी बताओ। सर यही है रेडिएशन वाला। आपने भी रेडिएशन वाले पूछने? किरण जी सर। अच्छा बच्चों, रेडिएशन के जो इफेक्ट्स है ना, साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हुआ तो माजरत, लेकिन मुझे जहां तक याद है ना कि मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ, अपने प्रीवियस नॉलेज में ही बोल रहा हूँ, जो स्टोकेस्टिक होते हैं ना वो लेट होते हैं, 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन होता ये है, एक को हम बोलते हैं कि लेट इफेक्ट्स और एक होते हैं अर्ली इफेक्ट्स। चलो यहाँ गूगल पे चेक कर लेते हैं।
देखा। ठीक है बच्चों, वही है जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं लेट इफेक्ट्स, ठीक है, लाइक कैंसर, ठीक है, किसी ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी हो जाना, ठीक है, आपकी इस तरह के जो सीवियर इफेक्ट्स है ना, वो लेट डेवलप होते हैं आफ्टर रेडिएशन डोज आपकी बॉडी को इतनी ज्यादा मिल चुकी है कि आपके जो सेल्स है ना, उन्होंने क्या नाम है, मेलिग्नेंट होना शुरू कर दिया, वो कैंसरस, यानी कि उनकी शेप चेंज होना शुरू हो गया, वो कैंसरस सेल्स की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं लेट इफेक्ट्स, यानी कि वो रेडिएशन डोज अपनी बॉडी को मिलने के काफी अरसे बाद शुरू होते हैं, और इनके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती, थ्रेशोल्ड मीन यानी कि इनके लिए कोई लेवल स्पेसिफाइड नहीं है कि यार इतनी डोज मिलेगी तभी एक साल के बाद जाके इस पेशेंट को किसी चीज का कैंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए कोई लेवल नहीं है। ये आपका आपकी जो डोज है ना, यानी कि स्पेसिफाइड फॉर ए ह्यूमन बीइंग विद इन अ ईयर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर 50 मिलीसीवर्ट है एक इंडिविजुअल के लिए एक साल में, तो ये उस डोज के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है ना, यानी कि अर्ली इफेक्ट जिनको हम बोलते हैं, वो आपकी एक तो उनके लिए एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो आते हैं, और दूसरा ही है कि वो थोड़े लो लेवल के होते हैं, लाइक आपको डिजीनेस फील हो जाएगी, वर्टिगो हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन, इस तरह के यानी कि माइनर होते हैं, इतने ज्यादा बॉदरिंग नहीं होते। लेकिन जो लेट इफेक्ट्स होते हैं जिनको स्टोकेस्टिक बोलते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और उनसे डेथ भी हो सकती है, कैंसर से डेथ हो सकती है। तो ये साथ ही रेडिएशन के इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, समझ आ गई है बेटे? Yes, sir. मेरे ख्याल से वो क्या नाम है, आप लोगों ने रेडिएशन साइंस की बुक ली है, बुशोंग? जी सर। उसके बाद आपको बहुत अच्छी किसी और का कोई सवाल? सर क्विज के मार्क्स बता दें, क्या बताया आपने? बजी क्विज मैंने अभी चेक करना है, मार्क्स लग जाएंगे आपके, सपरन सपरन सपरन, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में 50% बच्चे क्लास के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है सर। वैक्सीनेशन नहीं कराई अभी? बजी आप आ गई क्लास में, टाइम मिल गया आपको? मैं कब से क्लास में हूं। बजी वैक्सीनेशन आप जाएं किसी भी सेंटर पे, उसको बोलें कि मैंने फर्स्ट डोज करवानी है, फर्स्ट डोज के लिए वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता, डायरेक्ट डोज लग रही है। मैं भी कल लगवा गया हूं, मैंने जाकर मैंने डोज लगवानी है। यूनिवर्सिटी वाले तो कह रहे थे दोनों करा के आना, ऐसे ना आना। बाजी तुसी एक ते करा लो, एक के बाद आ जाऊं क्लास में? हां जी आप एक करवा लें बाजी, आप एक के बाद आ जाइएगा। और बताएं और कुछ नहीं, बस ठीक है, थैंक यू। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? चलो बच्चों फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में 50-50% अटेंडेंस हो, जो मर्जी आए, मैं किसी को ऑड इवन पे डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, जिस जिसने आना है वो आ सकता है, ठीक है, 50 से ज्यादा आने आना है वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट 50% क्लास अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है सर। आज कितने बच्चे हैं? 25 सर, बहुत है। अच्छा जी, आपने नहीं आना, आप ना यहाँ पर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50% और बच्चे चाहिए, जो मर्जी आ जाए। ओके सर, मुझे लगता है मलाइका ऊपर जाने वाली है। क्या सर? कुछ नहीं, मैंने कब बिरयानी के बारे में सोच रहे थे, बच्चे बैठ के यहाँ पे। सर मुझे क्यों आप ऊपर भेजना चाह रहे हैं? आप डोज लगवा के आई है ना इसलिए। ठीक है बच्चों, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।